गाइस सीन है अभी ऐसा, मतलब 30-40 किलोमीटर चलने के बाद अब मेरे को थोड़ा लगा कि मेरी आंखें ना बंद हो रही है, मतलब जैसे बोलते हैं नींद आने लगती है, तो भी ऐसा हो रहा है और मतलब गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही और मैं हूँ अकेला। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और मेरे ब्लॉग में, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई मैं आज जा रहा था सहारनपुर, तो ऐसे ही मैं एक जगह पर रुकता हूँ हर बार यहाँ पे। देखो क्या व्यू आ रहा है पीछे का, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। तो मैं हमेशा जब भी जाता रुक जाता, तो मैं सोचा एक व्लॉग बना लिया जाए, बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है सॉरी। और गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे हर बार। थोड़ा सा मैं अपने, जैसे कि अभी पावर लिफ्टिंग में मेरा कॉम्पिटिशन था और अभी मेरे नेशनल्स भी है, तो उसमें थोड़ा सा मैं अपनी लिफ्टिंग वगैरह में बिजी था, पिछले व्लॉग नहीं बना पाया सॉरी गाइस, बट कोशिश करूँगा जितना व्लॉग बना पाऊँगा जल्दी से। और देखो आप व्यू कितना प्यारा आ रहा है, ये गाइस देखो व्यूज कितना प्यारा है भाई। पहाड़ों की बात तो कुछ अलग ही है वैसे, और ये तो खैर नीचे देहरादून जाते हुए रास्ता है ये पहाड़ का। यहाँ पे देखो ये पुल है, जब रात का लोग आते हैं पीला वाला पुल है उसके पास ये रास्ता है, तो हमेशा यहाँ पे रुक के जाया करो और बहुत मतलब शांति मिलती है पहाड़ों में ना। और यहाँ पे देखो ये क्या काम चल रहा है, ये देखो शायद मतलब कुछ मशीन सी लगी हुई है और इसमें शायद कुछ खुदाई वगैरह चल रही है। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट रुकूंगा। और ये अपनी स्कूटी है, स्कूटी पे ही है मेरी अपनी स्कूटी, उसी पे अकेले और जाएंगे अब सहारनपुर जाने, कुछ काम है थोड़ा, काम कुम निपटा के। चैनल पे नए हो तो अब तक क्या कर रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो अपने भाई को, लव यू ऑल। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे लगा हुआ है जाम, जो कितना जाम पूरा जाम पीछे तक भाई, देखते हैं अभी निकलूँगा थोड़ी देर में यहाँ से, जाम जैसे निपटेगा पूरा जाम भाई। मैं थोड़ी दूरी चला था, 1-2 किलोमीटर दूर आया था, फिर लेकिन फिर मेरा मन कर गया रुकने का। आप व्यू देखो एक बार, आप व्यू देखो, ये देखो यहाँ पे एक अपनी भैंसों को नहला रहा है बच्चा है, देखो पानी भी है मस्त तरीके से एकदम, यहाँ इतना पानी नहीं है बट अभी तो जैसे इतनी बरसात नहीं है तो यहाँ इतना पानी नहीं है, वरना बरसात में तो भाई ये नदी पूरी की पूरी जो है फुल हो के चलती है। तो देख सकते हैं आप गाय हैं यहाँ पे बैल, और ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो ये बच्चा कैसे नहला रहा है अपनी भैंसों को, प्यारा है। देखो पहाड़ों की यही एक खासियत है, आप जहाँ भी रुक जाएं बस आपका मन लग जाता है और ऐसा मन करता है बैठे रहो इनके पहाड़ों के बीच में, चाहे कुछ भी टाइम हो कुछ ना हो। और देखो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, चलते हैं गाइस, लेट हो रहा हूँ बहुत, आगे दिखते हैं फिर आएंगे, यहाँ तो आते रहता हूँ मैं। तो गाइस चलते हैं, अपना काम जो है करना है वो निपटाएंगे, गाइस चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी सीन ऐसा है, अभी मैंने जब मतलब ये चल रही थी वहाँ से, जब मैं देहरादून स्टार्ट हुआ तो 250 का तेल था इसमें, तो अभी ये झपझप करने लगी है, मतलब अभी भी ये कम से कम 20-30 किलोमीटर चल सकती है, देख सकते हैं आप इसकी जो सुई है मतलब यहीं पर पहुँच गई है और डिप डिप करने लगी है, यानी अब जो है इसमें तेल भरवाना पड़ेगा। तो तेल भराने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी हमें पंपे के सामने रुक चुके हैं, तो अभी हम तेल भराएंगे। स्कूटी की सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें छोटी टंकी होती है, तो इसलिए इसको बार बार चलाएं, बाइक में दिक्कत नहीं होती क्योंकि बाइक की को 14-15 लीटर एकदम तेल आ जाता है और इसमें 3-3.5 लीटर तेल आता है, तो अब इसमें तेल भराते हैं फिर आगे चलते हैं। तो भाई अभी डलवा रहे हैं यहाँ पे तेल, गाड़ी को जरूरत है तेल की, मैं 300 ही दिया आपको, 200 क्यों दे रहे हैं वापस, हाँ यूट्यूब पे चैनल है मेरा ना, 102 हो गया है, 200 भी हो जाएगा तो कुछ दिन में ऐसा लग रहा है। तो अपना काम करेंगे, ज़्यादातर
मैंने जो है ये भाई बहुत पता था शाम को मौसम ठंडा जरूर है भाई, बहुत बड़ा ठंडी थी और उसी हिसाब से पता चल चुका स्कूटी चल रहे या बाइक पे शाम को लगी थी शाम शाम को सही चला भाई मैंने तो ज़्यादा तेज था जैकेट पहनते हैं फिर चलेंगे आगे। तो भाई मैंने पहन लिया यहाँ पे अपना हुड और थोड़ी ठंड हो रही थी, कमेंट में बताओ भाई कैसा लग रहा तुम्हारा भाई? सही लग रहा तो भाई कमेंट कर देना एक अच्छी, तो चलते हैं फिर आगे। तो भाई सीन है भी ऐसा, मतलब 30-40 किलोमीटर चलने के बाद अब मेरे को थोड़ा लगा कि मेरी आंखें ना बंद हो रही है, मतलब जैसे बोलते हैं नींद आने लगती है तो भी ऐसा हो रहा है, और मतलब गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही और मैं हूँ अकेला। और ये आप गाड़ी की कंडीशन देख ली, गाड़ी कुछ सामान भी है मेरे पास, मैंने सामान भी वहाँ से ले लिया था कुछ एक थैले में, और ये और भाई इधर मैं बैठने के लिए कुछ नहीं था तो भाई मैं नीचे ही बैठ गया यहाँ पे थोड़ा, मतलब एकदम से मेरे को लगा कि जैसे बोलते हैं नींद सी आ रही है, तो क्योंकि यार मैं अकेला था और मेरे को ना आदत भी नहीं बिल्कुल भी अकेले राइड करने की, वरना मैं हमेशा ना किसी को अपने साथ ले लेता हूँ, तो मतलब मज़ा तो आ रहा है देखो सोलो राइड करने का एक अलग मज़ा, बट कोई साथ में पार्टनर रहता है तो बस तो कभी गाड़ी उसने चला ली कभी गाड़ी मैंने चला ली, तो ऐसा कभी भी मैं कहीं भी आता हूँ तो किसी ना किसी को दोस्त को या किसी को साथी को अपने साथ ले लेता हूँ। पहली बार मैं कहीं मतलब इतने रूट में अकेले गया तो गाड़ी अकेले चला रहा हूँ, तो सुबह से काम भी करा मैंने थक गया हूँ तो शायद ये तो इसलिए हो, बट आगे स्टॉपेज में देखता मैं चाय वगैरह पीने रुकूँगा आगे, बट मेरे को कुछ दिखानी और एकदम से आँखें बंद हुई तो भाई मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ा। तो ठंड भी है और हल्का सा हवा भी चल रही है यहाँ पे, तो मैं 5-10 मिनट में तो चाहे बैठ लूँ यहाँ पे, बैठा हूँ अभी 5-10 मिनट, देखते हैं थोड़ा सा थोड़ा ठीक होएगा तो फिर चलते हैं। भाई हम हैं पहुँच चुके हैं भैरीगढ़ और ये अपनी चाय है और ये चल रही है पकौड़ी, तो भाई अब थोड़ा चाय पी के एनर्जी आएगी मुझे पता है, तो चाय पीते हैं, चाय जल्दी से ख़त्म करते हैं यहाँ पे, चाय की बात ही कुछ और है, चाय पी के फिर चलते हैं यहाँ से फिर मिलते हैं आप लोग। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपनी शॉप पे अभी अभी और रात के बज रहे हैं 7:30 और सही टाइम पे पहुंच गया हूं, कोई ऐसा लेट नहीं हूं, अब यहां पे बैठूंगा थोड़ी देर काम हिसाब किताब करते हैं और थोड़ा सा बस आधा एक घंटा लेगा फिर चलते हैं 8:30 बजे तक जिम, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड क्योंकि मैं थक चुका हूं लेकिन जिम भी जाना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस अभी चैनल पे नए हो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, लव यू ऑल।